हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जेटिस हेल्प में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर एक अलग डिजाइन का लोगो बताने जा रहा हूँ। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इस प्रकार से एक लोगो डिजाइन करना बताऊंगा। ये आसान लग रहा है लेकिन आसान नहीं है, ठीक है? तो पहले क्या करेंगे, न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, ठीक है दोस्तों? कंट्रोल एन से हमारी न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी। अब हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इंसर्ट में जाना होगा। इंसर्ट में जाने के लिए शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। शेप के ऊपर क्लिक करने के लिए यहाँ पे आपको डू नॉट उठाना होगा। इसको उठाने के लिए वहां आपको क्या करना होगा, लेफ्ट वाले बटन के साथ प्रेस करना है, ठीक है? इस प्रकार से इसको बना लेना है। बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो एक येलो पॉइंट इसके अंदर दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले बटन प्रेस करके आपको इस तरीके से इसको छोटा बनाना है, ठीक है दोस्तों? ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर ले लो, जितना आपका पेज है उतना ले लीजिए। क्या करना है, फिर कंट्रोल सी और वी करना है, यानी इसको कॉपी करके पेस्ट करना है वापस। अब इसको क्या करेंगे, जितना ये एडजस्ट हो रहा है उतना एडजस्ट कर लेंगे इसको, पेज को छोटा करता हूँ, इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है? ये करने के बाद अब वापस से क्या करना है, कंट्रोल सी और वी करना है, एक और लेना है, इसको रखना है इस साइड यानी लेफ्ट की साइड। इसको भी बीचों बीच लेके आते हैं, और फिर इसका भी करते हैं कंट्रोल सी और वी, इसको भी राइट साइड के ऊपर रखते हैं और इनको बराबर करते हैं, इस प्रकार से आपको यह रखना है। दोनों साइड से यहां से देख लेना, आपके जो ये कॉलम बन रहे हैं छोटे वाले, ये एकदम बराबर होने चाहिए, इस प्रकार से बने हैं अभी। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले आप लेफ्ट और राइट वाला है ना, इन दोनों को क्या करना है, ग्रुप बनाना है। तो एक कॉलम के ऊपर क्लिक करके दूसरा वाला जो डू नॉट है, इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेना, तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, और फिर इसको क्या करना है, ग्रुप बना देना, इस प्रकार से ग्रुप बन जाएगा। फिर क्या करना है, ये तीसरा वाला उठाना है, इसको भी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, इन तीनों का ग्रुप बन गया, ठीक है? इस प्रकार से तीनों का ग्रुप बन जाएगा। अब जो ये वाला ना, इसको ऊपर की साइड रखते हैं, इन तीनों को नीचे करते हैं, तो क्या करेंगे, फोन टू ब्रिंग कर देंगे। तो ये तीनों को तीनों देखो नीचे आ गए इसके, ठीक है? इस प्रकार से आपको ये बनाना है। तो अब इसके अंदर जैसे हम कलर करेंगे ना पूरा, तब पूरा पता चलेगा कि कौन किसके ऊपर है, कौन नीचे नीचे है इसके। तो देखो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और कलर लेते हैं, एक एक के ऊपर क्लिक करते हैं ये वाला, और एक कलर ले लेते हैं कोई भी, और इसका भी सेम कलर देते हैं, ठीक है? और इनकी आउटलाइन यहां से हटा देते हैं, कैसे, नो आउटलाइन, और इसकी भी जो आउटलाइन है इसकी भी हम हटा देते हैं। सॉरी, ये आउटलाइन हटी इनकी है लेकिन हमको हटानी इनकी है, ठीक है? इस प्रकार से फिर ये वाला जो लोगो है, ये इधर वाला, इसके भी ऊपर क्लिक करना है, इसका भी आपको दूसरा कलर लेना है। ये मैंने इसका लिया, और इसके ऊपर भी क्लिक करना, और इसका भी सेम कलर ले लेना, और इनकी क्या करनी है, आउटलाइन इनकी और भी हटानी है, ठीक है? तो इस प्रकार से आउटलाइन हट जाएगी। अब देखो आपको थोड़ी मतलब डिजाइन अलग लग रही है, कैसे, ये तीनों ऊपर है, ये एक नीचे रह गया इनके, तो मतलब ये थोड़ा दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है कि ये किस प्रकार से बना है। अब हमारा काम यहां से स्टार्ट होता है। अब क्या करेंगे, वापस जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद शेप में वापस जाएंगे, यहां से वापस डू नट उठाएंगे, डू नट को शिफ्ट के साथ खींचेंगे इस प्रकार से, और इसको बीचों बीच रख देंगे, इसे बीचों बीच रख देना, और इसकी भी आउटलाइन है वो नो लेते हैं, और इसका जो कलर है वो थोड़ा धुंधला लेते हैं, और इसको जो बीच में येलो पॉइंट है इसको भी पकड़ के आपको क्या करना है, इसको छोटा कर देना है ऐसे, ठीक है? जितना बना हुआ है उतना आपको कर देना है। उसके बाद इंसर्ट से उठाना है शेप वाला ऑप्शन, इसके अंदर सन वाला बना हुआ है ये आपको उठा लेना है यहाँ से, और फिर आपको क्या करना है, वापस से शिफ्ट के साथ इसको लेफ्ट वाला बटन दबा के इस प्रकार से प्रेस करना है,
और इसको बीचों बीच रख देना। अब जो ये एक येलो वाला पॉइंट है, इसको आपको लेफ्ट वाला बटन दबा के अंदर की साइड खींच देना है, इस प्रकार से जैसे मैंने खींचा है, इस प्रकार से खींच देना। अब इनका साइज भी आपको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, तो मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आपको साइज वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा लास्ट में फॉर्मेट के अंदर, तो मैं 9.6 कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी वो उतना कर लीजिए, जो बीच वाला गोल है इसको भी छोटा कर देता हूँ वापस, इस प्रकार से इसको कर लेना और इसको बीचों बीच रख लेना। ये करने के बाद वापस कंट्रोल सी और वी करना, इस प्रकार का आप आकार वापस लेना है और इसको इसके ऊपर ही रखना बीचों बीच। कीबोर्ड में लेफ्ट राइट अप डाउन वाला जो बटन है उसकी मदद से आप ले सकते हो। अब देखो इसकी थोड़ी डिजाइन करते हैं, तो आपको एक एक ग्रीन पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करना और लेफ्ट वाला बटन दबा के इसको थोड़ा लेफ्ट या राइट की तरफ इसको मार्जिन कर लेना, तो आपकी थोड़ी डिजाइन अलग बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर कलर देना है, तो कलर देने के लिए शेप में जाना है और कोई भी कलर उठा लेना। मैं इनकी आउटलाइन भी दोनों येलो ले रहा हूँ, और जो दूसरा वाला हमने लिया इसके ऊपर क्लिक करते हैं वापस से, और इसकी जो आउटलाइन है वो दूसरे कलर की ले लेते हैं, ठीक है। मैं ये रख रहा हूँ, जो आपको पसंद आए वो अपनी इच्छा के अनुसार आप रख सकते हो, ठीक है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, वापस जाना है इंसर्ट में और क्लिप आर्ट में जाना है। यहाँ से आपको कोई भी एक फोटो उठा लेनी है, मान लो मैं ये पिक्चर उठा रहा हूँ। ये उठाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो पिक्चर स्टाइल है इसके अंदर गोल आकार है इसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर आपको लास्ट में टेक्स्ट वर्किंग का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके अपनी जो फोटो है इसको बीचों बीच रख लेना और इसको बाद में छोटा करना, इस प्रकार से इसको छोटा कर लेना। और जो ये बीच वाला जो गोल वाला ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर रखना, लेकिन इसकी आउटलाइन हमको हटानी है, तो यहाँ से नो कर देना, नो आउटलाइन, और फिर साइज इसका इंक्रीज छोटा कर दो इस प्रकार से, और इसको बीचों बीच एकदम रख दो पूरा, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना या तो अपनी संस्था का कोई लोगो है वो आप अंदर इसके दे सकते हो, या फिर कोई भी फोटो उठा के दे सकते हो। अब हमारा सिर्फ लास्ट का काम रहे कि हमको नाम लिखने हैं इसके अंदर, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और वर्ड आर्ट में जाने के बाद में यहाँ से जो भी आपको पसंद आए वो आपको नाम उठा लेना है, और वो जो आप जो भी संस्था का नाम लिखना चाहो तो अपनी संस्था का नाम लिख सकते हो। तो मैं मेरी संस्था का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, फिर मैं ओके कर देता हूँ। तो ये कभी कभार क्या होता है कि वर्ड इसको सपोर्ट नहीं करता है, तो जो बनाया लोगो है वो वापस चला जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, फॉर्मेट में आना, टेक्स्ट वर्किंग करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है, और इसको क्या करना है, जो नाम है इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको कंट्रोल जेड कर देना है वापस, तो आपका नाम है वापस आ जाएगा। फिर आपको कंट्रोल वी प्रेस कर देना है, तो आपका नाम वापस आ जाएगा वहीं पे। फिर वापस फॉर्मेट में जाना, फॉर्मेट में जाने के बाद से पहले आपको क्या करना है, इस नाम को थोड़ा छोटा कर लेना है, तो मैं इस नाम को थोड़ा देखो इस प्रकार से आपको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको नाम को किस साइड घुमाना है, तो यहाँ पे देखो चेंज शेप के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपको एक डाउन एरो का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपको अपना नाम है वो जहां पे रखना चाहते हो वहां पे लेके जाओ। मेरे को यहाँ पे रखना है ये नाम, तो मैंने यहाँ पे रखा। पहले इसका कलर चेंज करता हूँ, मैं ब्लैक कलर करता हूँ, आउटलाइन भी ब्लैक कलर लेनी है, इस प्रकार से ले लेना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे की साइड खींच लेता हूँ इस प्रकार, और ये वाला भी इसका जो डाउन एरो वाला जो ऑप्शन है ये भी ले लेते हैं यहाँ से, इस प्रकार से रख लेना आपके नाम। फिर मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल सी और वी कर देता हूँ, इसी नाम को ले लेता हूँ, और मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ यहाँ पे नाम को, और ये एक आपको ग्रीन पॉइंट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके इसको नाम को इस प्रकार से घुमा देते हैं। लेकिन इसको अगर नाम को यहाँ पे घुमाएंगे तो ये यहाँ पे सही नहीं बनेगा, तो मैं इसको लेफ्ट या राइट साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे देखो राइट साइड में यहाँ पे रखना है, तो मैं इसको वापस से ग्रीन वाला जो ऑप्शन है इसे इस प्रकार से यहाँ पे रख देता हूँ, लेफ्ट डाउन एरो का आप उपयोग कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। ये होने के बाद आपको वापस से क्या करना है, कंट्रोल सी और वी कर लेना है इसी नाम को,
और इसी नाम को यहाँ पे लेके आ जाना है। और इसको भी जो ये ग्रीन वाला ऑप्शन है सेम वही उपयोग करना है, लेकिन नीचे की साइड घुमाएंगे तो शायद हमारा नाम भी सही नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ सही है अभी भी। तो इस प्रकार से कर लेना है। अब नीचे वाला नाम लिखने के लिए वापस हमको जाना पड़ेगा इंसर्ट, और वर्ड आर्ट में जाने के बाद जो नाम लिया था वही नाम वापस लेना है, और वापस जो आपने नाम लिखा था वही नाम आपको वापस लिखना है। वापस देखो, अब आपका नाम पीछे गया तो आपको फॉर्मेट में जाना है, टेक्स्ट वर्किंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है, आपका नाम वापस ऊपर आ जाएगा। तो इसको वापस नीचे की, सॉरी नीचे की साइड लेके जाएंगे, तो आपको साइड में क्लिक करके अपने नाम को लेके जाना है। यहाँ पे लाने के बाद आपका जो नाम है इसको छोटा कर दीजिए, तो मैं इस नाम को छोटा कर रहा हूँ इस प्रकार से, इसका नाम भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। और अब इसको हमको ऊपर की साइड घुमाना है, तो ये देखो ऊपर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ये वाला ले लेना है। ये लेने के बाद आपने नाम को लेफ्ट और राइट वाले जो एरो के निशान है उनकी मदद से आप इनको ऊपर की साइड ले सकते हैं। अब जो हमारे लास्ट का काम रहा है कि हमारे जो लोगो है इसके बीचों बीच जो नाम रखना है, वो भी आप इंसर्ट में वर्ड आर्ट में जाके कोई भी पहले एक नाम उठा लो और फिर इसके साथ इंक्रीज कर सकते हो। तो मैं मेरा पहला जो नाम है इंस्टीट्यूट का वो दे देता हूँ, और इसको टेक्स्ट वर्किंग करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके इसको यहाँ पे बीचों बीच रखना है। तो वो रखने के लिए पहले मेरे नाम को छोटा करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे अगर सही तरीके से छोटा नहीं कर पाते हो तो फॉर्मेट के अंदर लास्ट में साइज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप ऑटोमेटिक इसको छोटा कर सकते हो, जिससे आपको आसानी होगी। अब इसकी अगर शेप चेंज करनी है तो आपको यहाँ से बहुत सारी शेप है वो मिल जाएगी, तो मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ, ठीक है इस प्रकार से। और इसका कलर है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों इस प्रकार से आपको ये चेंज कर देना है शेप। यहाँ पे आपका क्या बनता है, लोगो कंप्लीट बन जाता है। जो आपके ये यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने चारों तरफ से मेरे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है, तो आप अपना जो चाहो एड्रेस वगैरह भी दे सकते हो चारों तरफ से, लेकिन आप इस प्रकार से एक अलग टाइप का भी लोगो